हेलो डियर पेरेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए एक होम रेमेडी जो बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। अगर सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आपको जायफल बच्चों को कैसे देना है, हम जायफल के आज आपको इस वीडियो में पूरे बेनिफिट्स बताएंगे। जायफल हमें कब देना है, कैसे देना है और जायफल के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जायफल से बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी से बचाता है, उसके साथ ही जायफल बहुत सारी बीमारियों से भी बच्चों को बचाता है, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बनाना कैसे। तो उसके लिए हमें लेना है ये चकला, एक हमें लेना है जायफल, जायफल को अच्छे से वॉश कर लेना है हमें अच्छे पानी से, और हमने लेना है गुनगुना पानी। हमने एक कटोरी में गुनगुना पानी लिया हुआ है, ये देखिए, और एक हमें लेना है चम्मच। और जो ये चकला हमने लिया है, इसे मार्केट से आप इजीली परचेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है ये, तो आप इस पे ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम बच्चे के लिए बना रहे हैं तो किसी और चीज़ का यूज़ ना करें। जैसे कि हमारे घर में सिल वगैरह होती है, उस पर हम मसाले वगैरह करते हैं तो उससे बेबी को नुकसान हो सकता है, तो उस पर ना करें। आप इस तरीके का ही चकला मार्केट से परचेज करें, 40-50 रुपये में ईजिली मिल जाता है और ये सेफ भी रहता है बेबी के लिए। इस पर हम बना के बेबी को देंगे। जायफल बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये बेबी को बहुत सारी सीजनल बीमारी से बचाता है। तो इसे हम सबसे पहले ये पानी लेंगे, आधी चम्मच पानी डालेंगे हम इसे, और पानी डालने के बाद जायफल को हम इस पे घिस लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। जायफल खिलाने से बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से राहत मिलती है, जैसा कि बच्चों के अगर पेट में दर्द है, गैस है, अपच है, तो बच्चों को आप जायफल पीसकर शहद में मिलाकर या घी में मिलाकर उसके पेट पर नाभि पर लगा सकते हैं, तो उसे आराम मिलेगा। और सर्दी खांसी जुकाम में तो जायफल आप दे ही सकते हैं बच्चे को। साथ ही मैं तीसरी बीमारी में आपको बताती हूँ, जैसे बच्चे के अगर छाले होते हैं तो आप उसे जायफल पीस के मिश्री के साथ दे सकते हैं, उसमें राहत मिलती है। अगर बच्चे को भूख नहीं लगती है तो भी आप जायफल उसके सॉलिड फूड में मिलाकर दे सकते हैं, तो भी बच्चे को इससे भूख लगना स्टार्ट होती है और बच्चा हेल्दी भी होता है। और साथ ही में बच्चे के अगर कान में दर्द होता है तो भी आप जायफल का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जायफल में एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक होता है जो बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम और सीजनल बीमारी से बचाता है। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है, तो हम इसे उंगली की सहायता से चम्मच में निकाल लेंगे। तो अब आप इसे देना कैसे, तो ये देखिए, ये मैंने अपने एक साल के बच्चे के लिए बनाया है। तो एक साल के बच्चे के लिए अगर आप बनाते हैं तो आप आधी चम्मच उसे दे सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। अगर आप 0 से 6 मंथ प्लस बेबी के लिए पूछते हैं तो 0 से 6 मंथ बेबी को रिकमेंडेड नहीं करते हैं डॉक्टर जायफल देना, तो उसे आप नहीं दे सकते। अगर उसे सर्दी जुकाम खांसी होता है तो आप छोटे बच्चों को जायफल पीस के उसकी छाती पर और उसके माथे पर लगा सकते हैं, तो उससे राहत मिलती है। अगर आप 6+ मंथ बेबी को देते हैं तो 6+ मंथ बेबी को आप घर की जो सबसे छोटी चम्मच होती है उससे 1/4 आपको देना है। अगर आप बेबी के पाइप से नापते हैं जो दवाई वाला होता है तो उसमें 0.5 ml हमें देना है। तो ये देखिए हमारे घर की सबसे छोटी चम्मच है, मैं डाल के बता देती हूँ कि 6+1 बेबी को कितना देना, और 6+1 बेबी को आप माँ के दूध के साथ ही दें, यानी ब्रेस्ट मिल्क के साथ ही हमें उसे देना है। तो ये मैं चम्मच में डाल के आपको बता देती हूँ कि अगर आप चम्मच से देते तो कितना देना है आपको, या फिर आप अगर बेबी के दवाई वाले पाइप से देते हैं सिर्फ जिससे पिलाते हैं तो उसे आप 0.5 ml में आपको देना है। तो ये देखिए आपको इतना देना है छोटे बच्चे को। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। तो ये रेमेडी को आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितना हेल्पफुल रहा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।